क्या नाम क्या है? दिशा। दिशा, तो आपको यहाँ से क्या दिशा मिली? अच्छी दिशा मिली, हर चीज़ का मुझे यहीं से पता चला। जैसे? एक नहीं, मुझे बहुत सारे रास्ते यहाँ से पता चले। हाँ ठीक, तो मैं वही हुई वो एक अलग चीज़ है, और बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को सीखने को मिली यहाँ से। क्या क्या माने हम, आपने क्या क्या सीखा है यहाँ से? मैंने जो लिया है आज तक यहीं से लिया है, अभी तक यहीं से लिया है। हाँ। आप पढ़े हुए हैं, कहाँ तक पढ़ाई की? 12th कंप्लीट कर ली। आपको होता क्या था, लक्षण क्या प्रतीत होते थे? मेरा सर बहुत भारी रहता था, तो फिर एक साल से। तो वो तो कोई बात नहीं, मामूली से डॉक्टर को दिखाओ, नहीं। दवाई देगा, सर ठीक हो जाएगा। क्यों जी? नहीं, एक साल पहले से मैंने इलाज कराया था हॉस्पिटल से, मेंटल हॉस्पिटल से इलाज किया था। क्या बात कर रहे हो जी, लेकिन आप मेंटल तो नहीं लग रहे। तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, जिस वजह से ये ऐसा बिहेव करती है। कैसा बिहेव करते थे? कि चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती, और बिहेवियर चेंज था मेरा बिल्कुल। तो यहाँ पे मुझे किसी ने बताया, फिर किसी ने बताया, मेरी बहन है उनकी फ्रेंड ने बताया। तो डॉक्टर पे कैसे कैसे गए आप, कौन कौन से डॉक्टर के लिए? मेंटल हॉस्पिटल में गए थे हम। किसी डॉक्टर का नाम याद है जो आपको पर्सनली ट्रीट कर रहा था? नहीं, उन्होंने कहा साइकेट्रिस्ट से इलाज चलेगा इनका। फिर कितने दिन इलाज करा? 3-4 महीने तक इलाज चला। कोई वो सिर्फ नींद की गोलियां देते थे, पूरा दिन मैं सोती थी, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। आपके पापा से बात की जाए जी, बताइए क्या होता था बिटिया को? परेशान रहती थी सर ये बहुत ज़्यादा, पढ़ाई में मन नहीं लगता था इसका, और हमें भी परेशान करती थी, कुछ सुनती नहीं थी हमारे बारे में, जो भी कुछ कहते थे ना मानती नहीं थी हमारी बातें। तो आपका किसी ने एड्रेस दिया आपके यहाँ आके, हमारी ज़िंदगी सफल हो गई आपके चरणों से और आपके। इसको होता क्या था बीच में? तो ये इसका मतलब ऊपरी हिसाब भी होने लगा था, नेगेटिविटी थी। हाँ नेगेटिविटी थी बहुत ज़्यादा, वो नकारात्मकता हमने निकाल दी। हाँ आपने निकाली है, आपकी कृपा वो अपने रूप में आ गई जी सर। ठीक है। हाँ जी, पहले वो ऐसी थी जैसी पहले थी वैसी वो वापस हो गई। हाँ जी। हमने कुछ नहीं किया, कोई चमत्कार नहीं हुआ, उसको नेगेटिविटी थी वो निकली, उसके कारण उसको जो हो रहा था वो ठीक हुआ। हम चमत्कार को नमस्कार नहीं करते, ना इसको चमत्कार मानते हैं। मगर आपके यहाँ डॉक्टर अपनी दवाइयाँ दे रहा है, डॉक्टर अपनी दवाइयाँ दे रहा है, ये रहा। अगर आपको बीमारी है तो ये दवाइयाँ असर करेंगी, और अगर आपको बीमारी नहीं है तो दवाइयाँ असर नहीं करेगी। अगर आपको निगेटिविटी है तो मैं निगेटिविटी का डॉक्टर हूँ, मैंने निगेटिविटी को निकाला मंत्र से, और मंत्र से ही निगेटिविटी को निकाला जा सकता है, तांत्रिक क्रियाएं करके, इस तरह करके उस निगेटिविटी को कहीं गुप्त स्थान पे, अन्य स्थान पे रख दिया जाता है या बांध दिया जाता है। वो निगेटिविटी इस ज़मीन पर मौजूद रहती है, उसका कुछ अच्छा नहीं होता है, और वो फिर और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, उसके अंदर और ज़्यादा अहंकार तत्व, अग्नि तत्व आ जाता है, वो वापस और ज़्यादा परेशान करने लगती है। तो सारा जो मलियामेट किया हुआ है वो तांत्रिकों का किया हुआ है, ठीक है, ओझाओं का किया हुआ है, झोला छापों का किया हुआ है, क्योंकि वो प्रेत से प्रेत को निकालने की कोशिश करते हैं, वापस उन प्रेतों को भी बांध लेते हैं, उनको भी बांध लेते हैं, और उनमें अग्नि तत्व बढ़ता जाता है, दिन प्रति दिन जो है प्रतिशोध की ज्वाला उनके अंदर भड़कती जाती है। लेकिन हमारी प्रोसेस मंत्र की है, उससे प्रेत स्वच्छ अवस्था में आता जाता है, और फिर उसके बाद उसको कोई नहीं पकड़ सकता, और वो सुरक्षित हो जाता है। इस तरह से आत्मा को सुरक्षित करके, उसके मलिन तत्व को निकाल कर, उसको स्वच्छ बनाकर, और इस प्रकृति में वापस छोड़ दिया जाता है। जब उसके उद्धार की कामना होती है, जब उसका उद्धार मार्ग प्रशस्त होता है, तो ईश्वर उसे अपने लोक में ले जाते हैं, लेकिन तब तक वो इसी लोक पर रहती है, पृथ्वी लोक पर रहती है। तो हमारा जो मोक्षधाम है वहाँ भी उन आत्माओं की वो मलिनता ही निकाली जाती है, और फालतू कुछ काम नहीं किया जाता है। ठीक है, मैं भगवान नहीं हूँ, ईश्वर नहीं हूँ, ना मैं चमत्कार को प्रश्रय देता हूँ। इस बच्ची के अंदर निगेटिविटी थी, हमने उसको पहचाना, उसको निकाला मंत्र के जरिए, उस शक्ति के जरिए, उस नाम के जरिए। जब ये निकल गई तो ये अपने वापस उसी प्रारूप में आ गई। डॉक्टर हार्ट चेंज करता है, ब्लॉकेज निकालता है, दुनिया भर के ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकालता है, दुनिया भर की वो क्रियाएं करता है, लेकिन वो सारे चमत्कार नहीं मानता, क्योंकि ये साइंस है। ठीक है, इसी प्रकार ये पैरानॉर्मल साइंस है। इसमें हम जो दूसरे का प्रेत निकाल रहे हैं, उससे जो दर्द खत्म हो रहे हैं, जहाँ जहाँ वो मलिनता बैठती है वहाँ वहाँ आपको शरीर में दर्द होने लगता है, आपके जोड़ जोड़। अभी भी आपने देखा कि एक छोटा बच्चा है, उसकी नानी यहाँ पे आती है, उसकी नानी 300 की बलि कराती है, वो बच्चा 8 महीने से बेहोशी की अवस्था में था, हॉस्पिटल में था, उसने आँखें नहीं खोली थी, वो आँख खोलता है, हाथ हिलाता है, उसको वो कर बाय करने के लिए कहा जाता है। तो ये केवल निगेटिविटी थी, ये बहुत बड़ा चमत्कार मैं नहीं मानता। आगे मैं दूसरों की तुलना नहीं करता, यहाँ बड़े से बड़ा चमत्कार भी हमारे लिए नगण्य इसलिए है, क्योंकि हमने उसके अंदर से
केवल निगेटिविटी निकाली है। निगेटिविटी अब उसके पैर को चढ़ रही थी तो पैर खत्म, सर में बैठी थी तो उसके सर में जो भारीपन था, पागलपन था, जो बेहोशी की हालत थी वो खत्म, अगर कमर में बैठी थी तो कमर का दर्द खत्म, अगर कंधे में बैठी थी तो कंधे का दर्द खत्म, माइग्रेन आदि खत्म, आपके रोग, अगर पेट में बैठी थी तो पेट के जितने रोग हैं वो खत्म, उनमें डायबिटीज भी आती है, बहुत सारे लोगों को निगेटिविटी से डायबिटीज भी आती है। इसके लिए हमने एक उपाय ढूंढ निकाला है इस पूरी पृथ्वी तत्व पर रहते हुए, इस प्रकृति तत्व उपाय क्या है मैं बताता हूँ आपको। हमारा उपाय यह है, एक दीपक जलाइए आप लोग 3 बजे से संध्या के समय 3 से 6 के बीच में, और बोलिए मैं मनु भैया को साक्षी मानकर ये दीप दान कर रहा हूँ। किसको ये दीप मैं दान कर रहा हूँ? शनि महाराज को, और अगर मुस्लिम है तो वो साबिर पिया को दान करें। तो इस दीप को ग्रहण करें शनिदेव महाराज, मनु भैया मेरे साक्षी हो, इतना कहकर आधे घंटे तक दीप जलाकर छोड़ दें, आधे घंटे बाद वापस जाए, नमन करें शनिदेव महाराज को, और उस दीप में से घी ले लें या तेल ले लें, अगर तेल है तो, जहाँ जहाँ आपको निगेटिविटी के दर्द होते हैं वहाँ वहाँ रेगुलर लगाइए। 3 महीने अगर आपने ऐसे, यानी कि 40 दिन से ऊपर, यानी कि 90 दिन अगर किसी ने ऐसे अपने घर में ये दीप दान दिया तो उसके घर में एक भी पितृ की समस्या नहीं रहेगी, पहली बात तो मैं ये वचन देता हूँ आप सब लोगों को। दूसरा, आपके शरीर में अगर निगेटिविटी है, बहुत ही ताकतवर है, तो उसको छोड़ के जाना पड़ेगा, और पता कैसे चलेगा अगर आपकी निगेटिविटी ताकतवर है तो आपको बेचैनी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा दर्द हो जाएंगे शरीर में उस घी को लगाते ही। उसको पीना भी है आप, क्योंकि पेट से भी निकलेगी चीज़, उसको पीना भी है या चाटना भी है। तो इस तरह से करते करते आपके बहुत सारे रोग, और स्किन की एलर्जी मैं देखता हूँ कि 40% स्किन की एलर्जी वाले वे लोग होते हैं जिनको भूत प्रेत की बाधा होती है, और वो स्किन एलर्जी यहाँ पे आके ठीक होती है उनकी क्रिया कराते ही, तो वहाँ घी लगाने से भी ठीक होगी। तो वो लोग हार ना माने जो मेरे पास यहाँ तक नहीं आ सकते हैं, जिन लोगों की क्रिया हो गई उनको फिर भी कुछ कुछ दर्द रहते हैं, तो वो लोग भी ये क्रिया करें। आप देखोगे 90 दिन तक ऐसा करने से आपकी पितृ समस्या, प्रेत समस्या खत्म हो गई, और बड़ी से बड़ी क्रियाएं आपकी निकलकर बाहर हो गई, क्योंकि उनको अब घर में जगह नहीं मिलेगी। जब आप ऐसे दीप दान करेंगे और मुझे साक्षी मानेंगे तो मैं वचन देता हूँ किसी का भी दीपक बिना शनि महाराज ग्रहण किए नहीं लेंगे, सबका दीपक ग्रहण करेंगे, सबको अच्छे अच्छे सपने आएंगे, सबको या तो मेरे स्वप्न में मेरे माध्यम से स्वप्न दिखाएंगे, या अपने माध्यम से स्वयं ही स्वप्न दिखाएंगे, या अपने गणों के द्वारा स्वयं स्वप्न दिखाएंगे कि उसने आपका दीप ग्रहण किया है। और लोग मुझे यूट्यूब पर ही बताएंगे, हमारे कमेंट्स बॉक्स खुले हैं, आज से लोग करें या कल से करें, नवरात्रों के पहले दिन से मैं बताता आ रहा हूँ और बार बार बताता रहूँगा, तकरीबन वीडियो में बताता रहूँगा, इससे आपकी समस्त समस्याएं जड़ से खत्म होने वाली है। मनु भैया को इस संसार में निगेटिविटी निकालने का ये हथियार मिला है, आप इस हथियार को उपयोग कीजिए, वो आपके शरीरों से बाहर जाएगी, जड़ से खत्म होगी और आप लोग स्वस्थ होंगे, ये मैं आपको वचन देता हूँ। जय शनिदेव, जय शनिदेव, सच्चे दरबार की जय, सबसे अच्छे दरबार की जय, बोलो शनिदेव महाराज की जय, बोलो साबिर प्यारे की जय, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव।